नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्या स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन, और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन। और चैप्टर से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ई बुक जो है हमारी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, पोल साइंस की और फिजिकल एजुकेशन की, दोनों की जो ई बुक्स हैं वो अब आपकी अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पर जाके और वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो भाई आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है आपका 7वां चैप्टर है, शरीर क्रिया विज्ञान तथा खेल संबंधी चोटें। ठीक है, 7वां चैप्टर है तो आज इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, सीबीएसई बोर्ड का आपका ये कोर्स है, मैं आपको बताता हूँ हर बारी। और जो आज का पहला टॉपिक है वो है शक्ति को निर्धारित करने वाले कारक। ठीक है, जो शक्ति होती है जो हमारे शरीर में, ठीक है, पावर होती है, वो आखिर कौन से कारक होते हैं जिस पर वो शक्ति निर्भर करती है। ठीक है, क्या होते हैं वो कारक जो शक्ति को निर्धारित करते हैं। तो भाई सबसे पहला कारक जो होता है वो हमारा होता है भार, क्योंकि जितना बॉडी वेट शरीर में होगा उतना ही मनुष्य शक्तिशाली होता है। ठीक है, और ज्यादा वेट वाले जो लोग होते हैं उनके शरीर में मांसपेशियों को संभालने के लिए चर्बी भी ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा भार भी उठा सकते हैं, और ज्यादा भार वाले भी होते हैं और वो शक्तिशाली होते हैं। तो जो एक वेट होता है, बॉडी वेट पहला कारक होता है पावर का। दूसरा कारक होता है मांसपेशियों का आकार, ठीक है, साइज ऑफ मसल्स। जिन व्यक्तियों की मांसपेशियों का आकार बड़ा होता है वो ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, और जिन व्यक्तियों की मसल्स जो वो है कम मोटी होती हैं, या मतलब उनका जो साइज जो होता है, ठीक है, वो कम होता है, तो क्या होता है उनके अंदर शक्ति कम होती है, और जिनकी मसल्स बड़ी होती हैं, साइज बड़ा होता है, तो वो ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। तीसरा कारक होता है शक्ति को जो मतलब निर्धारित करने वाला होता है, मांसपेशीय संरचना, कि आखिर मांसपेशियों की बनावट कैसी है। हम सभी की मांसपेशियां श्वेत तथा लाल फाइबर की बनी होती है। ठीक है, जो हमारी मसल्स होती हैं वो कौन कौन से फाइबर से बनी होती है, श्वेत मतलब सफेद और लाल फाइबर। ठीक है, जिन मांसपेशियों में श्वेत फाइबर अधिक होता है वह अधिक शक्ति उत्पन्न कर सकती है। भाई आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, मांसपेशी हमारे किससे मिलकर बनती है, व्हाइट फाइबर और लाल फाइबर। जिन व्यक्तियों में व्हाइट फाइबर ज्यादा पाया जाता है उनकी मांसपेशियां उतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है। ठीक है, तो मांसपेशियों की संरचना भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है। अब बात की जाए गति को निर्धारित करने वाले कारक, स्पीड को। ठीक है, कि कोई व्यक्ति कितनी स्पीड से कोई काम कर सकता है, कितनी स्पीड से वो खेल सकता है, कितनी उसके अंदर गति है, तो ये कैसे मतलब वो कौन से कारक होते हैं जो इन सबको निर्धारित करते हैं। तो पहला होता है स्नायु संस्थान। ठीक है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, स्नायु संस्थान होता है, जब वो व्यक्ति तेज दौड़ता है तो उसको तेज दौड़ने के लिए उसके स्नायु संस्थान का उचित रूप से कार्य करना जरूरी है। जो हमारा नर्वस सिस्टम, जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, जब तक वो उचित रूप से कार्य नहीं करेगा हमारे शरीर में कभी भी गति का विकास नहीं हो सकता, ना हमारे शरीर में गति कभी आ सकती है। दूसरा होता है आपका गति को निर्धारित करने वाला कारक, मांसपेशियों की संरचना। जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उनकी जो बनावट होती है, ठीक है, जिन मांसपेशियों में श्वेत, अभी मैंने आपको बताया था श्वेत फाइबर, व्हाइट फाइबर और रेड फाइबर। ठीक है, तो जिन मांसपेशियों में श्वेत फाइबर की प्रतिशतता ज्यादा होती है वह लाल फाइबर मांसपेशियों की अपेक्षा तेजी से सिकुड़ जाते हैं, इसलिए वह अधिक गति उत्पन्न करती है। यहाँ भी व्हाइट वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस व्यक्ति के शरीर में व्हाइट फाइबर वाली जो मांसपेशियां होती हैं, ठीक है, मांसपेशियों में जो व्हाइट फाइबर की मात्रा जिसमें ज्यादा होती है, जो प्रतिशतता, ठीक है, परसेंट ज्यादा होती है व्हाइट फाइबर की, उस व्यक्ति के अंदर गति भी बहुत ज्यादा होती है। तीसरा कारक होता है विस्फोटक शक्ति। अब ये विस्फोटक शक्ति क्या होता है, किसी भी तीव्र शारीरिक गतिविधि के लिए व्यक्ति में शक्ति, विशेषकर विस्फोटक शक्ति का होना अनिवार्य है। मतलब कोई भी अगर तेजी से, तीव्र का मतलब होता है तेजी से, गति से, कोई भी अगर गति से हमें काम करना है तो हमारे शरीर में एक विस्फोटक शक्ति का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, जब तक हमारे शरीर में शक्ति नहीं होगी, वो भी विस्फोटक शक्ति, बहुत तेज वाली शक्ति जिसे कहते हैं, ठीक है, पावर, मोस्ट पावरफुल, ठीक है, जो वो विस्फोटक शक्ति होती है बहुत ज्यादा वो पावरफुल होती है, तो जब तक वो नहीं होगी व्यक्ति के शरीर में, तब तक व्यक्ति जो है गति से कोई कार्य नहीं कर सकता। और चौथी और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है कोई भी चीज तेजी से करने के लिए, लचक। जब तक व्यक्ति के शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लचक नहीं है, व्यक्ति कोई भी कार्य गति से तेजी से नहीं कर सकता, और लचक के द्वारा व्यक्ति की गति में वृद्धि होती है, ये सब आप जानते हैं, और लचकदार व्यक्तियों की ऊर्जा खपत भी कम होती है, मतलब एनर्जी जो है वो लचकदार व्यक्तियों की कम खत्म होती है, क्योंकि वो काम को जल्दी जल्दी कर देते हैं। अब बात की जाए सहन क्षमता को निर्धारित करने वाले कारक, कि कोई व्यक्ति की सहन क्षमता किस पर निर्भर करती है,
एंड्योरेंस जो हमारी होती है, ठीक है, वो किस पर निर्भर करती है, सहन क्षमता को कैसे, मतलब आप देख सकते हैं कि किन किन बातों से जो है हमारी सहन क्षमता निर्धर जो आपकी निर्धारित करती है। पहला है एरोबिक क्षमता। एरोबिक क्षमता, इसके अंदर आइए देखते हैं क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये भी आपका। किसी भी शारीरिक गतिविधि को निरंतर रूप से करते रहने के लिए मांसपेशियों को लगातार ऊर्जा की जरूरत होती है। आपको पता है कोई भी कार्य अगर हमें लगातार लंबे समय तक करना है तो क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। और एनर्जी की पूर्ति कौन करता है हमारे शरीर में, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी कार्य लंबे समय तक करना है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, और इस सब की पूर्ति ऑक्सीजन करता है। सिंपल सी बात है यहाँ तक अभी तक। और व्यक्ति की एरोबिक क्षमता उसके फेफड़ों के आकार तथा श्वसन कोशिकाओं की संख्या तथा श्वसन मांसपेशियों पर निर्भर करती है। अब जो एरोबिक क्षमता होती है, कितने लंबे समय तक निरंतर हम काम कर सकते हैं, ये किस पर निर्भर करती है, व्यक्ति के फेफड़ों का आकार कितना है, कितने ऑक्सीजन वो ग्रहण कर सकता है, और जो हमारी सांस लेने वाली मांसपेशियां हैं वो कितनी अच्छी हैं, कितनी सुचारू रूप से वो कार्य करती हैं। तो जब व्यक्ति की एरोबिक क्षमता अच्छी होगी, सांस लेने की निरंतर रूप से, ऑक्सीजन ग्रहण करने की निरंतर रूप से, कार्य करने की लगातार, तो उस व्यक्ति की सहन क्षमता भी बढ़ेगी, और वो सहन क्षमता इसी पर पहली बात वो निर्भर करती है। और मांसपेशी संरचना सहन क्षमता को प्रभावित करने वाला जो दूसरा कारक वो है आपका मांसपेशी संरचना। मांसपेशी संरचना कुछ भी नहीं है, दो तरीके की आपकी जो है मतलब बनावट होती है मांसपेशी संरचना की। एक तो होता है आपका लाल फाइबर, दूसरा होता है आपका व्हाइट फाइबर, जो मैंने आपको बताया है, श्वेत, ठीक है। जिन व्यक्तियों की मांसपेशियों में लाल फाइबर अधिक पाया जाता है उनमें सहन शक्ति वाले क्रियाकलापों की क्षमता अधिक होती है। अभी तक आप पढ़ रहे थे व्हाइट ज्यादा होता है तो फायदा होता है, पर यहाँ पर सहन क्षमता की अगर बात की जाए तो जिन व्यक्तियों की मांसपेशियों की बनावट में लाल फाइबर ज्यादा पाया जाता है उन व्यक्तियों के अंदर सहन शक्ति ज्यादा होती है, ठीक है। और सहन शक्ति वाली अगर कोई बात की जाए उदाहरण के लिए तो मैराथन, ठीक है, मैराथन के लिए लंबा आपको चलना होता है और उसके लिए सहन क्षमता बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तीसरी चीज है सहन क्षमता के लिए लैक्टिक अम्ल की सहनशीलता। लैक्टिक अम्ल की सहनशीलता का मतलब है तीव्र शारीरिक गतिविधियां, मतलब तेजी से जो हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं उनके दौरान शरीर में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो पहले तो आपको ये देखना है लैक्टिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। जब हम तेजी से कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड, जो लैक्टिक अम्ल भी कहलाता है, उसका निर्माण होता है। यदि व्यक्ति में लैक्टिक अम्ल को सहन करने की क्षमता ना हो तो वह तीव्र गतिविधियां लगातार नहीं कर पाता। मतलब अगर जब हम तेजी से कोई हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो हमारे अंदर लैक्टिक अम्ल का निर्माण होने लगता है, और अगर व्यक्ति लैक्टिक अम्ल को सहन ज्यादा देर तक नहीं कर पाता तो वो उसकी सहन क्षमता जो है वो बहुत कम होती है। अगर कोई व्यक्ति लैक्टिक अम्ल को सहन कर गया लंबे समय तक तो उस व्यक्ति की सहन क्षमता भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। अब बात की जाए लचक को निर्धारित करने वाले कारक, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, किसी व्यक्ति के अंदर कितना वो फ्लेक्सिबल होगा, क्या वो कारक है, आइए देखते हैं। पहला कारक है मांसपेशियों की शक्ति, ठीक है। अधिक मांसपेशीय शक्ति के कारण लचक में वृद्धि होती है। जिन व्यक्तियों की मांसपेशियों में ज्यादा से ज्यादा शक्तियां होती हैं उनकी मांसपेशियों के अंदर जब शक्ति होती है तो उन व्यक्तियों के अंदर लचक में भी वृद्धि होती है, फ्लेक्सिबिलिटी जो आपकी होती है वो भी बढ़ती है, और कमजोर मांसपेशियों में लचक कम होती है। सिंपल सी बात है, जिस इंसान की मांसपेशियां कमजोर होती हैं उसके अंदर लचक भी कम होती है, जिस व्यक्ति की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, शक्तिशाली होती हैं, उसमें भी लचक उतनी ही ज्यादा होती है। दूसरा कारक है लचक को प्रभावित करने वाला उम्र तथा लिंग। इसका मतलब है एज और आपका जो मतलब जेंडर होता है। एज के भाई आपको पता है फ्लेक्सिबल, अब जो फ्लेक्सिबिलिटी एक यंग आदमी में होती है वह जो है मतलब एक वृद्ध आदमी में नहीं हो सकती, क्योंकि यंग आदमी जो होते हैं उनके अंदर लचक ज्यादा पाई जाती है, वहीं बात की जाए वृद्धों में कम पाई जाती है। तो उम्र में वृद्धि होना, जब उम्र बढ़ती है तो धीरे धीरे लचक में कमी आने लगती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है, ये सब जानते हैं। और महिलाओं में उसी उम्र में अधिक लचक पाई जाती है। जब वृद्धावस्था में बुजुर्गों में ज्यादा जो है मतलब लचक नहीं पाई जाती, वहां पर महिलाओं में उसी उम्र में ज्यादा लचक पाई जाती है। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको याद रखना है। दो कारक समझ में आ गए। तीसरा कारक है चोट, ये भी एक बहुत अच्छा कारक है। मांसपेशियों में चोट लगने के कारण लचक में कमी आ जाती है। तो लचक में कमी आ जाती है, ठीक है, अगर मांसपेशियों में हमारी चोट लग जाए
तो फ्लेक्सिबिलिटी में कमी आ जाती है। ठीक है, तो चोट जो है ये भी एक अच्छा कारक है लचक को प्रभावित करने वाला, कि लचक होगी या लचक नहीं होगी, ठीक है, शरीर में। तो अगर चोट लग जाती है तो हमारी लचक में कमी आ जाती है। चौथा कारक है आपका वातावरण, आसपास का एनवायरनमेंट। अगर आपके आसपास का जो वातावरण है अधिक तापमान है, तो उससे क्या होगा, व्यक्ति की लचक में वृद्धि होगी, क्योंकि शरीर आपका खुलेगा, जितनी गर्माहट होगी आपका शरीर खुलता है। और इसीलिए खेल खेलने से पहले आपको पता है वार्म अप भी किया जाता है। तो ये चार कारक होते हैं जो लचक को प्रभावित करते हैं। और भी है कुछ, वातावरण आपको बता दिया मैंने, एक कारक और है जोड़ों की बनावट। मनुष्य के जोड़ों की बनावट भी लचक को प्रभावित करती है, जो हमारे जोड़ होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो बनावट होती है वो भी बहुत ज्यादा लचक को प्रभावित करती है। यदि जोड़ों के संबंधी कोई हमें रोग हो जाए, हमारे अगर हमारे शरीर में जो हमारे जोड़ होते हैं उनसे जुड़ा कोई भी अगर हमें रोग हो जाए, कोई बीमारी हो जाए जोड़ों की, तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, हमारी लचक जो है वो कम हो जाती है। अब बात की जाए हृदय वाहिका तंत्र पर व्यायाम के प्रभाव। जो हमारा हृदय वाहिका तंत्र होता है उसके ऊपर व्यायाम के क्या प्रभाव होते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसका क्या फायदा होता है, क्या प्रभाव होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे हृदय वाहिका तंत्र पर, ठीक है। तो पहला जो इफेक्ट पड़ता है, पहला प्रभाव जो है वो है हृदय गति में कमी। ये क्या है, सामान्य तौर पर हमारा हृदय आराम की दशा में 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। जब हम सामान्य जब हम नॉर्मल बैठे होते हैं, तो हमारा जो दिल होता है, जो हमारा हृदय होता है, वो आराम में जब हम आराम कर रहे होते हैं, तो वो 72 बार 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है। और एक खिलाड़ी जो खेलता रहता है और जो एक्सरसाइज करता रहता है, उसका हृदय 28 से 40 धड़कन प्रति मिनट धड़कता है। इसमें क्या होता है, जब हम बैठे होते हैं तब तो हमारा जो दिल होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, पर जो एक खिलाड़ी का दिल होता है वो क्या होता है, 1 मिनट में 28 से 40 बार धड़कता है। तो व्यायाम करने से हृदय गति में कमी आती है, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है, हृदय के धड़कने की गति में कमी आती है। दूसरा है स्ट्रोक आयतन में वृद्धि। दूसरा क्या प्रभाव पड़ता है, स्ट्रोक आयतन में क्या होता है, व्यायाम की तीव्रता बढ़ने के साथ साथ, जैसे जैसे हम व्यायाम की तेजी एक्सरसाइज को हम तेजी से करने लगते हैं, प्रत्येक धड़कन पर हृदय के लेफ्ट नीले से निकलने वाले रक्त को स्ट्रोक आयतन कहते हैं, उसमें वृद्धि हो जाती है, ठीक है। आपको पहले ये समझना है कि स्ट्रोक आयतन क्या होता है। तो जब हम व्यायाम करते हैं धीरे धीरे, जब हम व्यायाम को तेज कर देते हैं, तो क्या होता है, जो हमारी हर धड़कन पर क्या होता है, जो हमारा हृदय का लेफ्ट वाला निलय होता है उसमें से जो रक्त निकलता है उसको स्ट्रोक आयतन कहते हैं। तो एक्सरसाइज जब हम ज्यादा करते हैं तो इस स्ट्रोक आयतन में वृद्धि होने लगती है, ठीक है। तो ये दूसरा प्रभाव होता है। तीसरा प्रभाव होता है रक्त प्रवाह में वृद्धि, ब्लड सर्कुलेशन, जो आपका ब्लड फ्लो जो आपका होता है वो बढ़ता है, ठीक है, रक्त प्रवाह ब्लड फ्लो आपका बढ़ता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं व्यायाम करते हैं, तो उसके कारण हृदय वाहिका संस्थान क्या होता है, जो हमारा उन ऊतकों को रक्त की आपूर्ति को मतलब बढ़ा देता है, तथा रक्त प्रवाह में वृद्धि होती है। जब हम एक्सरसाइज डेली करते हैं तो सबसे बड़ा इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ता है कि हमारे अंदर ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ता है, ठीक है, हर ऊतक तक रक्त जो है वो पहुंचता है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, और हमारा जो रक्त फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होता है, वो बढ़ता है। चौथा जो प्रभाव पड़ता है एक्सरसाइज का हमारे दिल पर, वो है हृदय रोगों में कमी। अगर हम प्रतिदिन भाई एक्सरसाइज करते हैं, दिल से जुड़ी बीमारियां जितनी भी होती हैं, हार्ट अटैक वगैरह, तो वो आने की संभावना कम हो जाती है और हम स्वस्थ रहते हैं। पांचवा प्रभाव क्या पड़ता है, मांसपेशी आकार तथा शक्ति में वृद्धि। जब हम भाई प्रतिदिन जब हम अपना व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होता है, तो हमारा हृदय जो है वो अधिक कार्य करता है, ठीक है, और इससे क्या होता है, हमारे मांसपेशियों के आकार में वृद्धि होती है और शक्ति भी हमारी बढ़ती है, हमारे शरीर की शक्ति भी बढ़ती है, हमारी मसल्स भी बढ़ती हैं। तो ये भी एक प्रभाव है जो कि एक्सरसाइज का हमारे शरीर पर और हमारे हृदय वाहिका तंत्र पर पड़ता है। बात की जाए व्यायाम करने का श्वसन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो हमारा जो सांस लेने का जो हमारा जो सिस्टम है, एक श्वसन तंत्र, उस पर एक्सरसाइज करने से क्या फर्क पड़ता है, तो आइए देखते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं डेली, तो श्वसन तंत्र के माध्यम से ही ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। ये सब आपको पता होगा, हम जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये हमारा श्वसन की क्रिया कहलाती है। जब हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे श्वसन तंत्र पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, पहला इफेक्ट है श्वसन रोगों में कमी। जब आप डेली एक्सरसाइज करेंगे तो सांस से जुड़ी समस्या आपको बहुत कम होगी, जैसे अस्थमा वगैरह, ये सब समस्या होने के चांस बहुत कम रह जाते हैं, ठीक है। और
दूसरा क्या होता है, सहन क्षमता में वृद्धि। जो हमारी सहन करने की जो क्षमता होती है, डेली प्रतिदिन व्यायाम एक्सरसाइज करने से हमारी सहन क्षमता बढ़ती है तथा हम बिना थके लंबे समय तक कार्य करते जाते हैं, ठीक है। दूसरा प्रभाव है आपका, तीसरा प्रभाव क्या पड़ता है, श्वसन मांसपेशियों की मजबूती। जो हमारे श्वसन तंत्र के अंदर की जो मसल्स होती हैं अंदर की, ठीक है, जब हम डेली व्यायाम करते हैं तो वो हमारी मांसपेशियां जो हमारी श्वसन वाली हैं वो मजबूत होती हैं, ठीक है, मजबूत होती हैं और मांसपेशियों में वृद्धि होती है और बहुत सकारात्मक पॉजिटिव इफेक्ट वहां पर पड़ता है। और चौथा इफेक्ट आपको पड़ता है डेली एक्सरसाइज करने का श्वसन तंत्र पर, कि प्रतिदिन व्यायाम करने के कारण श्वसन अंगों के आकार में वृद्धि होती है। जो हमारे श्वसन अंग होते हैं, सांस लेने वाले जो हमारे अंग होते हैं, उनके आकार में, उनके साइज में वृद्धि होती है जब हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, जिसके कारण व्यक्ति की हर सांस द्वारा ली गई वायु की मात्रा भी बढ़ जाती है। जब हमारा श्वसन तंत्र अच्छा होगा तो हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ग्रहण कर पाएंगे। पांचवा इफेक्ट क्या पड़ता है भाई, इच्छा शक्ति में वृद्धि। जब हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो डेली एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हम प्राणायाम करते हैं, तो इस सबसे क्या होता है, हमारी इच्छा शक्ति, हमारी जो इच्छा विल पावर होती है वो हमारी बढ़ती है, ठीक है। तो हम मोटिवेटेड रहते हैं और एक अच्छा जो है हमारा कॉन्टैक्ट बना रहता है हमारा। तो पांच इफेक्ट आपको मैंने बताए श्वसन तंत्र पर जब हम एक्सरसाइज करते हैं। अब बात की जाए एक्सरसाइज करने से हमारे मांसपेशीय तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, हमारे मसल्स पर क्या प्रभाव पड़ता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो आइए देखते हैं। पहला क्या प्रभाव पड़ता है, मांसपेशियों के आकार में वृद्धि। भाई जो हमारी मसल्स होती हैं उनका साइज बढ़ता है। आपको पता है अगर आप जिम करते हैं, जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, मसल्स का साइज बढ़ेगा आपका, ठीक है, ये तो नॉर्मल सा पॉइंट है। दूसरा है एक्स्ट्रा फैट में कमी। जब भाई हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो वसा होती है, जो अतिरिक्त वसा होती है, एक्स्ट्रा फैट होता है, वो खत्म हो जाता है, कम हो जाता है और हमारा शरीर जो है वो स्लिम एंड फिट आपका हो जाता है। तीसरा प्रभाव पड़ता है भाई मसल्स पर, हमारा उचित शारीरिक मुद्रा। जब हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर की जो मुद्रा होती है, हमारा आसन सुधरता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं और हमारे शरीर का आसन और मुद्रा जो है वो ठीक रहती है। चौथा प्रभाव भाई पड़ता है देर से थकान। जब आप डेली एक्सरसाइज करेंगे, प्रतिदिन व्यायाम करने से शरीर में थकान उत्पन्न करने वाले तत्व जो होते हैं, ठीक है, वो कम होने लगते हैं और हमारी थकान में जो देरी आती है, हम लंबे समय तक काम कर पाते हैं बिना थके हुए, ठीक है, और इस तरीके से जो है हमारी मांसपेशियां जो है वो भी स्वस्थ रहती हैं। और पांचवा क्या प्रभाव पड़ता है भाई, प्रतिदिन व्यायाम करने से क्या होता है, मांसपेशियां धीरे धीरे मजबूत हो जाती हैं, सुडौल हो जाती हैं, स्ट्रांग हो जाती हैं हमारी मसल्स और शरीर की आकृति जो है वो आकर्षक दिखने लगती है। शरीर जो है वो वी आकार में आ जाता है आपका, आपको पता होगा, ठीक है, वी आकार में हमारा शरीर दिखने लगता है और आकृति बहुत सुंदर दिखती है, मजबूत दिखता है शरीर। इसलिए फिल्मी एक्टर और जो जितनी भी हस्तियां होती हैं वो बॉडी को फिट रखने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करते हैं और जिम करते हैं, ठीक है। अब बात की जाए भाई चोटों की। चोट आप सबको पता है, चोट लगना खेलों में, तो खेलों में लगने वाली जो चोटें होती हैं दो प्रकार से उसको बांटा गया है। एक तो होता है बाहरी चोट, एक होता है अंदरूनी चोट। बाहरी चोट कैसी होती है, रगड़ जाना कुछ, ठीक है, छिल जाना, फटना, ये तो होती है बाहरी चोटें। अब बात की जाए अंदरूनी चोटों की, तो वो होती है गुम चोट, आपने सुना होगा, मोच, फ्रैक्चर आ जाना, हड्डी टूटना, ये अंदरूनी होती है। बाहरी जो होती है वो प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखती है। अब इसको अंदर से पढ़ते हैं, खेल चोटों के कारण क्या है भाई, खेल में जो चोट लगती है उसका कारण क्या है। पहला कारण है पुष्टि की कमी। जब कोई व्यक्ति फिट नहीं होता, पुष्टि की कमी होती है, तो उसको जाहिर सी बात है खेलते हुए चोट लग सकती है जब वो फिट नहीं है। और दूसरा है वार्म अप ना करना। कोई भी खेल खेलने से पहले शरीर को गर्माना जरूरी होता है। अगर व्यक्ति, कोई खिलाड़ी वार्म अप नहीं करता, बिना वार्म अप के खेलता है, तो उसको भी चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा है सुरक्षा उपकरण ना होना, सेफ्टी से ना खेलना। अगर क्रिकेट के अगर कोई खिलाड़ी खेलता है तो हेलमेट, पैड और ग्लव्स वगैरह, जितने भी एल्बो वगैरह आपका होता है, सब आपको पहन के सुरक्षा उपकरणों के साथ खेलना चाहिए। अगर सुरक्षा उपकरण नहीं होंगे तो चोट लग सकती है। और प्रदर्शन का दबाव, बहुत बार खिलाड़ियों को दबाव में भी चोट लग जाती है। अच्छी परफॉर्मेंस करने का दबाव होता है, दबाव दबाव में खिलाड़ी को चोट भी लग सकती है। और एक और कारण होता है थकान के बावजूद प्रैक्टिस। आपको पता है भाई खिलाड़ी थक गया है, बहुत थक गया है, लेकिन थकने के बावजूद भी प्रैक्टिस करे जा रहा है, करे जा रहा है, तो ऐसे में भी उसको चोट लग सकती है। तो चोट के कुछ कारण है, बहुत आसान आपको मैंने बताए। अब आगे देखते हैं खेल में जो चोट लगती है उनसे कैसे बचा जा सकता है।
तो भाई जितने इसकी सिंपल सी ट्रिक है, जितने जो खेल चोटों के कारण है ना, जो आपको मैंने पीछे बताए हैं, ये सब अगर इन सब पर काम करे खिलाड़ी तो वो खेल चोटों से बच सकता है। जैसे आपको मैं बता दूं, उचित वार्म अप करे, वार्म अप करना चाहिए तो खेल चोटों से बच सकता है, उचित सुरक्षा उपकरण का यूज करना चाहिए, उचित पोषण उसका होना चाहिए, फिट रहना चाहिए, और थकान के बाद प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, खेल का पूरा ज्ञान होना चाहिए, तो उसको खेल चोटें नहीं लगेंगी। अब बात की जाए प्राथमिक चिकित्सा क्या होता है, आपने सुना होगा फर्स्ट एड, ठीक है, कहते हैं ना फर्स्ट एड बॉक्स, प्राथमिक चिकित्सा, तो ये क्या होती है प्राथमिक चिकित्सा, आइए इसका अर्थ समझ लीजिए एक बारी। तो किसी दुर्घटना, आपदा या कोई अचानक बीमारी में मरीज को डॉक्टर के पास ले जाने से पहले उसकी प्रारंभिक देखभाल करना क्या कहलाता है, फर्स्ट एड। भाई अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को चोट लग गई, किसी का हाथ कट गया, कोई जल गया, तो डॉक्टर के पास ले जाने से पहले उसे घर में भी हम कुछ करते हैं, बैंडेज लगाते हैं या कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, उसकी जान अगर हम बचा रहे हैं तो वो आपका फर्स्ट एड कहलाता है, प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। अब कुछ चोटों के प्रकार और देखते हैं अंदर से। मुलायम ऊतकों की चोट, जो हमारे मुलायम ऊतक होते हैं उनपे जो चोट लगती है कौन कौन सी होती है, आइए देखते हैं। तो पहली चोट होती है कंट्यूशन। कंट्यूशन कैसी चोट होती है भाई, ये मांसपेशियों की चोट होती है, ठीक है, मांसपेशियों में लगने वाली एक चोट है, इस प्रकार की चोट टकराने से लगती है, अगर किसी चीज से खिलाड़ी टकरा जाता है, मुक्केबाजी में, कबड्डी वगैरह में ये चोट लग सकती है, ठीक है, इसमें क्या होता है हमारी कोशिकाएं टूट जाती हैं, तो कंट्यूशन आपकी पहली चोट है, जो कोमल ऊतक की, मुलायम ऊतक की चोट होती है। दूसरी आपकी जो चोट है वो है खिंचाव। बहुत बार खिलाड़ी को खेलते हुए खिंचाव हो जाता है, ठीक है, और ये भी मांसपेशियों से जुड़ी एक चोट है, ये साधारण भी खिंचाव हो सकता है, असाधारण भी हो सकता है, मतलब ज्यादा गंभीर भी हो सकता है खिंचाव हो जाना हमारे शरीर में, इसके कारण वह हिस्सा हिलाना भी मुश्किल हो जाता है, अगर पैर में खिंचाव आ गया, हाथ में खिंचाव आ गया, तो बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है। इसका प्रबंधन क्या है, जो मैंने आपको चोटें अभी तक बताई हैं, कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं, कैसे इसको हम सुरक्षा दे सकते हैं। सबसे पहले तो भाई सुरक्षा देनी होती है, चोट ग्रस्त हिस्सा जहां चोट लगी है उसको तुरंत सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, ठीक है, आराम देना चाहिए, चोट ग्रस्त हिस्से को बिल्कुल भी हिलाना नहीं चाहिए, जहां भी चोट लगी है उसको हिलाना नहीं है, पूरा आराम देना है। बर्फ का यूज कर सकते हैं, बर्फ का प्रयोग करने से रक्त स्राव, जो रक्त बह रहा होता है, और जो सूजन होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, तो ये इसका प्रबंधन था। दबाव दे सकते हैं, ठीक है, दबा सकते हैं चोट ग्रस्त हिस्से को आसपास, मतलब एक मजबूत पैड लगाकर उस पर स्ट्रैप इस प्रकार लगाना चाहिए कि चोट ग्रस्त हिस्से में दबाव अधिक ना हो, ठीक है, तो दबाव अधिक ना हो, ठीक है, ये आप देख सकते हैं चोट ग्रस्त हिस्से पर, मतलब इस तरीके से आपको पैड लगाना है कि दबाव ज्यादा भी ना हो उस पर। और पांचवा प्रबंधन का एक उपाय है, ऊपर उठाना चोट ग्रस्त हिस्सा, जहां भी चोट लगाए उस हिस्से को तकिए के ऊपर या हृदय के स्तर से थोड़ा ऊपर की ओर आप रख सकते हैं, ठीक है, जहां भी आपको चोट लगी है तकिए के ऊपर थोड़ा सा आप चोट ग्रस्त हिस्से को रख सकते हैं। तो ये कुछ उपाय थे। तीसरी एक और चोट है मोच, ठीक है, मोच के बारे में भी आपने सुना होगा। तो मोच क्या है, ये एक लिंगामेंट की चोट होती है, ठीक है, लिंगामेंट जो आपका शरीर का अंग होता है, लिंगामेंट से जुड़ी ये आपकी चोट होती है। मोच जो है अधिक खिंचाव के कारण होती है, जब ज्यादा खिंचाव हो जाता है तो आपको मोच आ सकती है, मोच में सूजन भी होती है आपको पता है, और दर्द भी होता है। तो ये बहुत इजी सा टॉपिक है, आगे चलते हैं। मोच से क्या हम प्रबंधन कर सकते हैं, आपको मैंने बताया है अभी, सुरक्षा कर सकते हैं, आराम, बर्फ का यूज कर सकते हैं, दबाव, ऊपर उठाना चोटग्रस्त हिस्से को, तो ये सब चीजें आप मोच में भी कर सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन अभी अभी कर दी है। चौथी चोट है आपका रगड़ या छिलना। रगड़ भी आपने सुना होगा, गिर जाते हैं या छिल जाता है, तो ये त्वचा की चोट होती है, हमारी स्किन पर लगने वाली, नीचे गिरने से रगड़ आ सकती है, छिल सकती है। इसके प्रबंधन में आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई हिस्सा आपका रगड़ जाता है, छिल जाता है खेलते हुए, तो चोट को पानी से साफ करें सबसे पहले, जहां भी रगड़ आई है छिलना, जहां भी शरीर का कोई हिस्सा छिला है पानी से साफ कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम उस पर लगा सकते हैं, चोट अगर ज्यादा गंभीर है तो डॉक्टर से पट्टी करवानी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया रगड़ के बारे में। पांचवी चोट है आपका चीरा। चीरा भी लग जाता है कई बार, नुकीली चीज लग जाती है हमें खेलते हुए, ठीक है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, अगर घाव गहरा नहीं है तो थोड़े खून को बाहर आने देना चाहिए, इससे जो कीटाणु होते हैं वो आपके बाहर आ जाते हैं, ठीक है, अगर आपको चीरा लगा है तो खून अगर बाहर आ रहा है तो उसको थोड़ा आने देना चाहिए, जिससे कीटाणु बाहर आ जाए। घाव पर रुई रख सकते हैं, रुई का टुकड़ा रखकर फिर आप उसमें पट्टी बांध सकते हैं, तो चीरे में ये आपका उपाय हो सकता है। अब बात की जाए अस्थि से जुड़ी हुई चोटें, हड्डियों से जुड़ी हुई चोटें, ठीक है,
पहली है जोड़ों का विस्थापन, जोड़ खिसक जाते हैं कभी कभार। क्या होता है खेल के दौरान, क्या होता है हमारे जो जोड़ होते हैं, हड्डी होती है, वो खिसक जाती है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, डॉक्टर के पास जा सकते हैं। और एक काम और करते हैं कि मतलब सूजन जहां पर आ रही है वहां बर्फ लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी सावधानी ये है कि जोड़ जहां पर भी हड्डी खिसकी है, खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, उसको हिलानी नहीं चाहिए, ठीक है? उसको ऐसे ही रखना है और डॉक्टर के पास ले जाना है तुरंत। और बात की जाए जो हमारा फ्रैक्चर होता है, आपने सुना होगा हड्डी टूट जाना फ्रैक्चर कितने प्रकार का होता है, आइए आपको बताता हूँ। एक होता है साधारण, एक होता है विवरित अस्थि भंग, जटिल अस्थि भंग, कच्ची अस्थि भंग, बहुखंड अस्थि भंग, पच्चड़ी अस्थि भंग। ये इतने सारे प्रकार का आपका जो है फ्रैक्चर होता है, हड्डियां जो टूटती हैं हमारी। बहुत आसान है अंदर से, आइए देखते हैं। पहला है साधारण अस्थि भंग, नॉर्मल। इसमें क्या होता है, जब किसी प्रकार के घाव के बिना अस्थि भंग हो जाती है, मतलब कोई घाव नहीं होता, बस हड्डी टूट जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, साधारण अस्थि भंग। ये हड्डी कैसे टूट सकती है, कहीं फिसल के गिर गए, टकरा गए, तो ऐसा हो सकता है। तो जब हड्डी ऐसे टूट जाती है तो क्या कर सकते हैं, बर्फ का प्रयोग कर सकते हैं वहां पर, ठीक है, सूजन कम करने के लिए। ज्यादा हिलाए ना जहां भी हड्डी टूटी है, और डॉक्टर के पास ले जाएं, पेन किलर की दवाई ले सकते हैं दर्द को कम करने के लिए, ठीक है? तो ये हो गया आपका साधारण अस्थि भंग। दूसरा होता है विवृत अस्थि भंग। ये विवृत में क्या होता है, इसमें हड्डी टूटती है, इसके साथ साथ त्वचा और मांसपेशियों को भी नुकसान होता है, ठीक है? विवृत अस्थि भंग में पिछले वाले में त्वचा को कुछ नहीं होता, बस हड्डी को होता है। इस वाले में एक स्टेप ऊपर बढ़ जाइए, हड्डी को तो नुकसान होता है, हड्डी टूटती है, साथ में त्वचा को भी और मांसपेशियों को नुकसान होता है। ऐसे में क्या कर सकते हैं, मांसपेशियों पर जो चोट आई है पट्टी बांध सकते हैं, और जहां चोट लगी है उस भाग को ज्यादा हिलाना नहीं है, पेन किलर की जो दवाई आती है वो खा सकते हैं, ठीक है? और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं जटिल अस्थि भंग। यह बहुत ज्यादा गंभीर होता है भाई। इसमें क्या होता है, टूटी हड्डी जो होती है आंतरिक अंगों को भी हानि पहुंचाती है। जो हड्डी टूटती है अंदर से, वो अंदर से मांसपेशियों को भी नुकसान पहुंचाने लग जाती है फिर। और ऐसे में फिर क्या कर सकते हैं, तुरंत ऑपरेशन चाहिए होता है इसके लिए, ठीक है? जो भी हड्डी ऐसी टूटी है जो अंदरूनी, जो आपकी मांसपेशियों को भी नुकसान पहुंचा रही है, तो फटाफट उसको ऑपरेशन की जरूरत होती है, और इसको ठीक होने में कम से कम 8 हफ्ते का समय लग जाता है। चोटी जो चौथी आपकी जो अस्थि भंग है वो है कच्ची अस्थि भंग। इसमें क्या होता है, इस प्रकार का जो ज्यादातर जो ये फ्रैक्चर होता है ये बच्चों में देखा जाता है, क्योंकि बच्चों की हड्डियां कच्ची होती हैं, ठीक है? कच्ची से मतलब याद आ जाएगा आपको, बच्चों का है। इसके लिए क्या प्रबंधन कर सकते हैं, प्लास्टर की सहायता हो सकती है, ठीक है? हड्डी को सीधा रखने के लिए प्लास्टर लगा सकते हैं, पेन किलर की दवाई खा सकते हैं दर्द को कम करने के लिए। पांचवा होता है बहुखंड अस्थि भंग। बहुखंड में क्या होता है, बहुत ज्यादा टुकड़े हो जाते हैं। जब एक हड्डी दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूटती है तो ये क्या कहलाती है, बहुखंड अस्थि भंग, नाम से याद हो जाएगा। और ये ज्यादातर साइकिलिंग या बाइक से गिरने से होता है। बाइक से फुल स्पीड में बाइक जा रही है, अगर आप गिर गए तो इस प्रकार का फ्रैक्चर हो सकता है, साइकिल से गिर गए तो भी इस प्रकार का फ्रैक्चर हो सकता है। और छठा जो आपका फ्रैक्चर है वो है पच्चड़ी अस्थि भंग। इसमें क्या होता है, जब किसी टूटी हुई अस्थि या हड्डी का एक सिरा दूसरी अस्थि में घुस जाता है तो पच्चड़ी अस्थि भंग कहलाता है, ठीक है? एक एक हड्डी टूटी हुई है, उसका जो सिरा है टूटा हुआ वो दूसरी हड्डी में आपका घुस गया, इतनी बुरी तरीके से आपको अगर फ्रैक्चर हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, पच्चड़ी अस्थि भंग। इसका क्या प्रबंधन होता है भाई, सिर्फ ऑपरेशन हो सकता है इसका, और डॉक्टर की सलाह पर ही सब कुछ होता है, जो भी दवाई वगैरह होगी वो डॉक्टर बताता है। तो ये 6 प्रकार के जो मैंने आपको फ्रैक्चर बताए, तो भाई यहाँ पर आपका चैप्टर समाप्त होता है। थोड़ा लेंथी चैप्टर था पर आसान है, अंदर चोट है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।